हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जिसे हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। और उस प्रोग्राम का नाम है विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन प्रोग्राम। और इसमें प्रतिदिन हम आप सभी के लिए 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न लेकर आते हैं, और इस प्रश्न के जो विकल्प दिए होते हैं उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आप अन्य दूसरे प्रश्नों का उत्तर भी सहजता से दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें साइंस के विषय में कोई ज्यादा दिक्कत न हो, और आप साइंस के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उसका सही तरह से जवाब दे सके। हमारा यही प्रयास है, और आशा है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपने साइंस विषय में जो अभिरुचि है उसको बढ़ा सकेंगे, और साइंस के प्रश्नों का भी जवाब सही तरीके से दे सकेंगे। और खास करके उन युवा प्रतिभागियों के लिए यह आवश्यक है जो अभी JSSC और CDPO झारखंड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, साथ में BPSC, JPSC, UPPCS और UPSC, और साथ में वनडे जो भी एग्जाम है उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और हमारे बेल आइकन को दबाइए। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको यह कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव भी दीजिए, ताकि हम इसमें और भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं वह कर सकें। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण इस जो विज्ञान के प्रश्न है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पिरोकर आपके समक्ष लाए गए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का पहला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो महासागर में जो डूबता है या जो अंतरिक्ष में जो चीजें होती हैं, तो उनका भी पता लगाने के लिए, वो हमसे कितने दूर हैं, कौन से कितनी बड़ा आकार का है, उन सब का पता लगाने के लिए अलग अलग यंत्र का उपयोग किया जाता है। और महासागर में जो डूब गया तो वह कितनी दूरी पर है और उस वस्तु का आकार प्रकार क्या है, यह सब का पता हमें कुछ यंत्रों के द्वारा लगता है। और आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही जो टाइटेनिक यान था उसको देखने के लिए पनडुब्बियों का सहारा लेकर के और लोग नीचे की ओर जाते थे, 4-5 लोग उसमें होते थे। और अभी उस जिस पनडुब्बी के सहारे वह टाइटेनिक को देखने के लिए, उसके मलबे को देखने के लिए जाते थे जो 1912 में डूबा था, उसमें 5-6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वह पनडुब्बी जो है नीचे कुछ कारणों से पूरा विस्फोट कर गया, उसमें सारे लोग मारे गए। तो अब यहां जो प्रश्न आपका है कि महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का, आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। तो हमें पता है कि आप में से तैयारी करने वाले सभी लोगों का इसका उत्तर ज्ञात होगा। तो इसका सही जवाब है सोनार। सोनार का पता जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, और जो अंतरिक्ष में वायु में जो मूवेबल चीजें हैं जो यहां से वहां उड़ान भर रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। राडार सब भी आपने सुना होगा, तो यह है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, यह ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, नाम से ही देख रहे हैं, ऑडियो ऑडियो वीडियो जो आप कहते हैं। गैल्वेनोमीटर है, यह धारा की उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र है कि धारा किसी चीज में आ रहा है या जा रहा है, नहीं धारा की उपस्थिति है या नहीं, कौन सा धारा, विद्युत धारा। और सेक्सटेंट, तो यह दिक् प्रावर्तक नौ संचालन यंत्र है, और इसमें क्षैतिज जो वस्तुएं हैं और जो अंतरिक्ष में वस्तुएं हैं उनके बीचों का कोनों का पता लगाया जाता है, उसके माध्यम से नौ संचालन यह काम करते हैं, तो सेक्सटेंट उसके लिए है। तो इसका सही उत्तर आपका सोनार है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर पुनः वही है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार
किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा आप समझ चुके होंगे। तो इसमें विकल्प देखिए क्या क्या दिया है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा और डॉक्टरों द्वारा। तो सही उत्तर होगा नौ संचालकों के द्वारा यह उपयोग में लाया जाता है। इसे आगे क्या कहीं जो जहाज आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें पानी में नीचे कहीं कोई बड़ा रुकावट है, ठीक है, कहीं कोई बड़ा चट्टान वगैरह तो निकला हुआ नहीं है, तो उसका पता लगाने में कर लिया जाता है। और फिर अगर वहाँ कुछ गहराई पर ही इसका पता लगता है कि जो है बड़ा चट्टान है, तो फिर बड़े जहाजों को उधर से मोड़ दिया जाता है, दूसरे तरफ कर दिया जाता है। तो इसलिए सोनार का उपयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अगला है डॉक्टरों के द्वारा, तो जानते हैं स्टेथोस्कोप और अन्य सारे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरों के द्वारा दूसरे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां संभव नहीं है तो उसको बता पाना, क्योंकि बहुत सारे यंत्र हैं जो अलग अलग जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जो भी तकनीशियन है। चलिए, तो इसका सही उत्तर है नौ संचालकों के द्वारा। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो आपको तो पता ही होगा कि रिएक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है। आपके समक्ष ऑप्शन में है, विकल्प में हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता, पता जो है रिएक्टर पैमाने पर लगाया जाता है। और शायद रिएक्टर पैमाना जो है, रिएक्टर स्केल जो है, इसका खोज जो है 1935 में किया गया था। और 0 से 10 तक इसमें स्केल होता है, और 5 से ऊपर अगर स्केल में रिएक्टर पैमाने पर अगर भूकंप की तीव्रता है तो वह अधिक घातक माना जाता है। 6, 7, 8 यानी जितना अधिक यह रिएक्टर पैमाने पर स्केल पर यह बिंदु होगा उतना ही ज्यादा इसमें आपको ज्यादा जो है डिवास्टेशन होगा, ज्यादा जो है लोगों को इसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, घर द्वार वगैरह गिर जाते हैं, ज्यादा जो है विनाश लीला उत्पन्न होती है। तो भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए यह उपयोग किया जाता है। अगला है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप जानते हैं कि दो चीजें हैं, एक है अपकेंद्रण और एक है वहां से जो बाहर की ओर निकलता है, सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला एक बल है और एक जो है अंदर से बाहर की ओर, और एक बाहर से अंदर की ओर लगता है केंद्र की ओर, जिसको अपकेंद्रीय और उपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसमें ऑप्शन आपके पास दिया गया है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रारसरण और विसरण। तो उपोहन का मतलब होता है, अपोहन का मतलब सब्लिमेशन। तो अपकेंद्रण इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि इसी सिद्धांत पर जो है हमारा वॉशिंग मशीन और जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है वह भी अपकेंद्रण सिद्धांत पर ही काम करती है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगला प्रश्न से पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विश्लेषण आपके समक्ष पहुंचते रहें और आप इससे लाभ उठाते रहें। तो पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? हालांकि इसके लिए न्यूटन को जो है माना गया, उनको इसका श्रेय दिया गया, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब ऑप्शन में है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो आप आर्यभट्ट के बारे में जानते ही हैं, यह गुप्त काल में थे, वराहमिहिर भी गुप्त काल के ही महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं विद्वान थे, और इन लोगों ने कई सारे क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जैसे आर्यभट्ट का है तो पाई का मान इन्होंने दिया, और फिर आर्यभट्ट ने जो है यह भी बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य दूसरे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, यह सब सारा कुछ बताया गया पहले आर्यभट्ट के द्वारा। वराहमिहिर ने भी कई सारे महत्वपूर्ण गणित और जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, वराहमिहिर का सबसे महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान के क्षेत्र में है, और यह भी खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वह है ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था
कि सारे वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर मिलती है। अगला है कि द्रव बूंद, छठा प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो आप जानते हैं कोई भी चित्र सबसे न्यूनतम क्षेत्र घेरना चाहता है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा भौतिकी में तो उसमें पढ़ा होगा, भौतिकी विज्ञान में, तो पहला जो विकल्प है पृष्ठ तनाव श्यानता घनत्व वाष्प का, तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें भी गोलाकार होती हैं। और श्यानता तो आप जानते हैं विस्कोसिटी, यानी जो द्रव लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें श्यानता अधिक होता है और वह ज्यादा बहता नहीं है, ज्यादा फ्लो नहीं करता है, तो श्यानता अलग चीज है। घनत्व आप जान ही रहे कि किसी एकांक क्षेत्रफल में कितने उसमें कण मौजूद हैं, कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो ठोस में सबसे ज्यादा, ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और वाष्पदाब यानी जब हम वाष्प को क्या करते हैं, ये वाष्प से दबाव उत्पन्न होता है और कभी कभी जब वाष्प को दबाव देकर के उसको द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। चलिए तो इतना विश्लेषण आपके लिए काफी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवां कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो अब तो ज्यादातर आप लोगों में से ये बत्ती वाले स्टोव या लालटेन वगैरह आपने नहीं देखा होगा, हालांकि लालटेन आप जानते हैं आरजेडी का अभी भी सिंबल है, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद यादव वाला, तेजस्वी यादव वाला जो दल है, लेकिन उसमें बत्ती पहले लगाया जाता था। या जैसे आप जानते हैं कि वो आपका जो होता है एक कपड़ा सूती कपड़ा है और उसके एक कोने को आपने पानी के अंदर रख दिया तो धीरे धीरे जितना दूर वह डूबा हुआ है उससे कई गुना ऊपर तक वह जो है उस कपड़े को भिगो देता है, ये भी आपने देखा होगा। तो उन सबों का कारण क्या है, तो बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, उसका कारण क्या है। यहां आपका दिया गया है पहला जो है पराशरण, दूसरा विसरण, तीसरा पृष्ठ तनाव और चौथा जीव द्रव्य संकुचन। तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण यह होता है और ऐसे केशिकात्व का गुण भी इसमें होता है, कैपिलरी, तो वह भी एक कारण है। तो यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही उत्तर इसका होगा पृष्ठ तनाव, तो ऐसे केशिकात्व भी होता है, याद रखिएगा। अब अगला जो प्रश्न है आठवां कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ऑटोमोबाइल्स का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत और पास्कल का नियम, ये चार नियम दिए गए हैं। तो इसमें सही इसका उत्तर होगा पास्कल का नियम। पास्कल ने ही दाब के संबंधित सिद्धांत दिया था और उसमें बताया था कि अगर कोई द्रव है तो किसी चीज में आप द्रव को भर देते हैं और ऊपर से दबाव लगाते हैं तो वो चारों तरफ जो द्रव है एक स्थान पर उस द्रव के अणु समान बल लगाते हैं और जब नीचे से ऊपर से उसको प्रेशर दे रहे हैं तो वह जो उसका अणु है अंतिम छोर के ऊपर वह दूसरी तरफ उतना ही दबाव लगाता है, तो इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत काम करता है। और आज कई सारे जो आप देखते हैं काफी भार उठाने वाले जो क्रेन वगैरह है और जो अभी जेसीबी वगैरह मशीनें हैं तो वो सब जो है पास्कल के नियमों पर ही कार्य करती है। इसमें थोड़े से दबाव देने के बाद जैसे आप देखते हैं जो आपका जेसीबी वगैरह होता है या जो ट्रैक्टर वगैरह में ट्रॉलियां होती हैं वो नीचे से थोड़ा सा प्रेशर पुश किया जाता है और आप देखते हैं कि उतने भार को वो खड़ा कर देती हैं और उसको उलट देती हैं, वो सब सारा। अगला जो आपका प्रश्न है नवा, प्रसारित विश्व की संकल्पना आधारित है, यानी विश्व का लगातार प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, यह संकल्पना किस पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जेमान प्रभाव पर और रमन प्रभाव पर, तो इसमें सही उत्तर है डॉपलर का प्रभाव। और यह डॉपलर के प्रभाव में दिखाता है कि जब विश्व का या ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है तो उसमें जो रंग है, जो हमारा अलग अलग जो कलर देख रहे हैं प्रकाश का, तो प्रकाश का रंग जो है किस ओर मुड़ता है, तो उसमें दिखाया गया कि अगर वह रेड कलर की ओर मुड़ता है तो ब्रह्मांड का संकुचन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, अगर वह जो है बैंगनी कलर की ओर मुड़ता है तो उसका क्या हो रहा है, उसका कारण विस्तारित हो रहा है या उसको संकुचित हो रहा है,
तो इस पर यह डॉपलर प्रभाव इस रूप में इसका वर्णन किया जाता है। तो फिजिक्स में पूरा का पूरा बहुत पढ़ाया जाएगा, चूंकि यहाँ केवल प्रश्न का विश्लेषण करना है तो बहुत ज्यादा इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो यह जो आपका सेशन है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व का जो प्रसार हो रहा है वो डॉपलर प्रभाव के नियम पर है, और डॉपलर प्रभाव फिर अन्य कई जगहों पर काम करता है। चलिए अब आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो जो ऑटोनोम जो है ऑटोनोमस इंजन जो है ऑटोनॉमिकली रूप से काम करते हैं उनमें कौन सा एक हिमरोधी, यानी वह जम न सके, इंजन में जो ईंधन है वह अगर जम जाएंगे तो फिर उनको जलाने में प्रॉब्लम होगा, तो जमने से बचाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के तौर पर, क्योंकि जब आप पहाड़ों की ओर वगैरह जाते हैं तो वहां इनके जम जाने का खतरा होता है, कि सबका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है हर यौगिक का, हर धातु का, और एक या तत्व का एक बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कुछ सारे जो है वह कुछ जो द्रव वगैरह है वो क्या होते हैं, जम जाते हैं एक बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर। तो जब ज्यादा पहाड़ वगैरह की तरफ में बर्फबारी वगैरह होता है वहां तापमान काफी नीचे चला जाता है, 100 डिग्री से भी अगर नीचे चला गया जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वह उसमें प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल इथेनॉल या जो भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इंजन में ईंधनों के रूप में, वह जम जाएंगे तो फिर उससे ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाएगा, उनको जलाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हिमरोधी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो जो विकल्प है आपके समक्ष वह है इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, मिथेनॉल और प्रोपिल एल्कोहल। ये चार ऑप्शन है, इसमें सही जो उत्तर होगा वह है इथिलीन ग्लाइकोल। इसका जो सूत्र होता है वह C2H4O2 होता है इथिलीन ग्लाइकोल का, और यह जो है इसका हिमांक बिंदु काफी निम्न होता है, यानी -112 के नीचे जमता है, तो इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। चूंकि यह इथिलीन ग्लाइकोल है तो यह मिलाने के बाद उस ईंधनों में भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इथेनॉल जो है वह पेट्रोल में अभी मिलाया जा रहा है, उसी से इथिलीन ग्लाइकोल बना हुआ है, तो यह जो है उसको जमने भी नहीं देता है और ईंधनों पर भी उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि हिमरोधी के रूप में इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था आपके लिए आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सही जवाब। तो चलिए आज का सेशन हम यहां समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आशा है कि आपको हमारा यह विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा, काफी रोचक होगा, और इस तरह से हम इसकी रोचकता को बनाए रखेंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।